ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आप सबके फेवरेट प्रोग्राम एस्ट्रो मंत्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर वास्तु एक्सपर्ट उर्वशी जैन। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन, सत श्री अकाल। मैं हूं आचार्य पी खुराना। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आपको बताएंगे मूलांक के अनुसार, और क्या है आपका लकी कलर, लकी नंबर, खास उपाय क्या है, खास सावधानी क्या है, जो आपके रोज के जीवन की उलझनें दूर करेगा। शुभ पहर, इसका लाभ आप जरूर उठाएं, क्योंकि ऐसा पहर है जो आपने अपनी किस्मत की लकीरों से इसे चुराया है और ईश्वर आपका साथ देगा। इस लम्हे के बीच में आप जो भी कामना करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें आपको ईश्वर की कृपा होगी। आपके ईमेल के जवाब भी देंगे, और जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, राशि नहीं पता, और हम के आखिर में बताएंगे कि एक खास मैजिक नंबर आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। हमारे माध्यम से हर समस्या का समाधान इतना सरल है जो आपको प्रतिदिन एक नई दिशा देता है। रोजाना हम आपके समक्ष नया विषय लेकर आते हैं जिससे हमें सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात अब करते हैं मूलांक एक की। मूलांक एक जिनका जन्म किसी महीने की 1/10/1928 को हुआ है, तो आप सूर्य ग्रह से प्रभावित हैं। आज आप जहां भी जाएंगे प्रशंसा के पात्र बनेंगे, आपके ऊपर प्रभु कृपा होगी, आपको हर प्रकार का मान सम्मान मिलेगा। लकी कलर इज मैरून, लकी नंबर इज 15, और शुभ पहर आज का है 12 से लेकर 1 बजे तक। शुभ दिशा आपकी पूर्व है। और आज का उपाय, अंगूठे से दूध का तिलक अपने माथे पे लगाइएगा। सावधानी क्या है, बिना किसी कारण के किसी पर अपने रोग नहीं जमाना। मूलांक दो की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 2/11/20 या 29 को हुआ है, तो आप चंद्र ग्रह से प्रभावित हैं। आज आपको भरपूर मान सम्मान एवं प्यार की प्राप्ति होगी, और आप अगर किसी ऑडिशन के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सफलता प्राप्त होगी। लकी कलर इज ग्रीन, लकी नंबर इज 9, और शुभ पहर आज का है 10 से 11 बजे तक। शुभ दिशा उत्तर पश्चिम, और आज का उपाय क्या कहता है, एक बादाम अपने पास रखें। सावधानी क्या है, अपने मन को, मन बड़ा चंचल है, अपने मन को स्वच्छ रखें, बुरे विचारों से त्याग दीजिएगा। मूलांक 3 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 3/12/21 या 30 को हुआ है, तो आप गुरु ग्रह से प्रभावित हैं। कला, संगीत, थिएटर, ड्रामा, कला क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोगों को आज एक नया अवसर प्राप्त होगा, और अचानक कोई खोई हुई वस्तु आज आपको मिल सकती है। लकी कलर इज ब्राउन, लकी नंबर इज 6, और शुभ पहर 3 से 6। शुभ दिशा दक्षिण पूर्व, और आज का उपाय, रिंग फिंगर में लाल डोरी पहने। सावधानी क्या है, लापरवाही एवं ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बच के रहिए। बात करते हैं ईमेल की। इनका 12 सितंबर 1989 डेट ऑफ बर्थ है। मेरा 2 बार रिश्ता होकर टूट गया है, मेरी शादी का योग कब बनेगा। अब सुनिए, पहली बात तो यह है कि आपका अपना अंक 3 है, जो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। 3 है गुरु का, सितंबर है वाणी का, जिसका कारक बुध ग्रह है। टोटल आपका 9 है। इसमें समस्या सिर्फ एक जगह पे हो रही है, बुध यानी 5 अंक और 9 अंक जब ये एकत्र होते हैं कहीं, तो आप इंपल्सिव हो जाते हो, आप लोगों की बात को बर्दाश्त नहीं करते। कारण यही है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ठहराव कम है। उसके लिए आपने क्या करना है, मंगलवार को हनुमान चालीसा शाम को मंदिर में दीजिएगा, और बुधवार को आपने हरी सब्जी का दान लगातार करते रहना है, और इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। हे गौरी शंकर अदानी यथा तम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांता कांतम सुदरदाम। मात्र ये उपाय कीजिएगा तो आज के बाद आपका रिश्ता टूटेगा नहीं, और आपका योग शादी का 2023 से पहले बना हुआ है। मन में आपके कोई भी प्रश्न है तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश के ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं, हमें आपका इंतजार रहेगा।
बात मुलाक चार की बात। मुलाक चार जिनका जेठ मत किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 को हुआ है तो आप राहु ग्रह से प्रभावित है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। अधूरा कार्य कोई भी रह गया हो वो अधूरा कार्य आपके शादी के साथ संबंध है, फॉरेन कंट्री के साथ संबंध है या कारोबार के साथ संबंध है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लकी कलर इज ग्रे एंड लकी नंबर इज 1। शुभ पहर आपका है 2 से लेकर 3 बजे तक। शुभ दिशा आपकी उत्तर पूर्व है। और आज का उपाय क्या कहता है? एक चुटकी नमक मुख्य द्वार के दोनों तरफ छिड़के। सावधानी क्या है? क्रोध बिल्कुल नहीं करना, अपने विवेक को जगा के रखिएगा। मुलाक 5 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 5, 14 या 23 को हुआ तो आप बुध ग्रह से प्रभावित है। आज जहां भी आप जाएंगे आपके काम की प्रशंसा होगी, आपके व्यवहार की प्रशंसा होगी, आर्थिक तंगी दूर होगी, लोग आपकी मदद करेंगे। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 11। और शुभ पहर क्या है? 11 से लेकर 12 तक। शुभ दिशा आपकी उत्तर है। उपाय, जरूरतमंद व्यक्ति को 5 का सिक्का दे। और सावधानी क्या है? आज किसी से कोई भी वादा मत कीजिएगा। मुलाक 6 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है तो आप शुक्र ग्रह से प्रभावित है। आत्मविश्वास में आज कुछ इस प्रकार की कमी रहेगी कि आपके हाथों से गलतियां होती रहेंगी और उसके आसार पूरे नजर आते हैं। जुबान पर कंट्रोल रखिएगा। निवेश या इन्वेस्टमेंट के लिए दिन आपका शुभ है। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 4। और शुभ पहर क्या कहता है? 1 से लेकर 2 बजे तक। शुभ दिशा पूर्व उत्तर। और आज का उपाय क्या कहता है? अपाहिज व्यक्ति को दक्षिणा दें। सावधानी क्या है? आर्थिक जोखिम यानी कि नो स्पेकुलेशन, आज कोई भी आपने जोखिम नहीं उठाना। मुलाक 7 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है तो आप केतु ग्रह से प्रभावित हैं। सारा दिन आपका आज खुशियां भरा रहेगा, यात्राएं भी हो सकती हैं, नई नौकरी के अवसर मिलेंगे। लकी कलर सेफ्रन, लकी नंबर 8। और शुभ पहर आपका है 4 से 5 बजे तक। शुभ दिन आपका उत्तर पश्चिम है। और आज का उपाय क्या है? 7 प्रकार के धागे कलाई पर बांधे। सावधानी क्या है? बड़ों की इच्छा के विपरीत कोई भी कार्य ना कीजिएगा। अक्सर ये जो आपको सावधानी बता रहा हूं ये बच्चों के लिए है, माता पिता का कहना मानिए। मुलाक 8 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है तो आप शनि ग्रह से प्रभावित है। आज ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। लकी कलर आपका पिंक। और लकी नंबर 12। और शुभ पहर आपका है 2 से लेकर 3 बजे तक। शुभ दिशा आपकी दक्षिण पूर्व है। और आज का उपाय क्या कहता है? नींबू काले कपड़े में लपेट कर धर्म स्थान पे अर्पित कीजिएगा। सावधानी क्या है? आज आपने ऑयली फूड से परहेज रखना है, तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी। मुलाक 9 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 9, 18 या 27 को हुआ तो आप मंगल ग्रह से प्रभावित हैं। जमानत गवाही आज आपने किसी की नहीं देनी, वरना आप अपनी उलझनों में बिना किसी कारण के ऐसी उलझन में फंसेंगे कि आपको कानूनी समस्या आ सकती है। आज आपको घर से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी, चेहरे पे मुस्कान आएगी। लकी कलर्स ब्लू एंड लकी नंबर 7। और शुभ पहर आपका है 11 से 12। शुभ दिशा आपकी उत्तर पश्चिम है। और आज का उपाय क्या कहता है? पानी में सिंदूर डालकर पीपल को अर्पित करें। सावधानी क्या है? किसी से किसी प्रकार की ईर्ष्या मत कीजिएगा। ये था आपका भविष्य फल आपके मुलाक के अनुसार। ईमेल की बात करते हैं। पानीपत से सुमित पूछते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 3rd December 1979। घर में जब कोई मेहमान आता है तो उनके जाने के बाद घर का माहौल नेगेटिव हो जाता है, कोई उपाय बताइए जिसमें घर की नेगेटिविटी खत्म हो। आप सुनिए, पहली बात तो यह कि अतिथि देवो भव, मेहमान के आने का कोई वक्त नहीं होता।
आप जो गलती क्या करेंगे, पहली बात आपके बाकी दर्शक भी नोट करें, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसको जिस जो मेन दरवाजा है वहां से उसकी एंट्री होनी चाहिए और वहीं से उसको आपने जाने देना है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, साइड का कोई दरवाजा खुला होता है, मेन दरवाजा नहीं खोलते, उससे क्या होता है घर में बिना किसी कारण के नेगेटिविटी आती है। लेकिन अगर आपका मेन दरवाजा से एंट्री है और मेन दरवाजे से आपका मेहमान बाहर जा रहा है तो भी नेगेटिविटी आती है, एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी आपके मेहमान घर में आए सबसे पहले पानी पिलाना है उनको, उसके बाद कोई भी ऐसी चीज जिसका रंग पीला है पीले रंग की मिठाई से उनका मुंह मीठा जरूर करवाइएगा, क्योंकि पीला रंग अतिथि का है, भगवान का है, बृहस्पति का है, गुरु कृपा का है। मात्र ये उपाय कीजिए, सुमित की तरह आपके मन में भी कोई विचार प्रश्न आता है तो कोई भी प्रश्न तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए गए ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं, हमें आपका इंतजार रहेगा। बात करें मैजिक नंबर की, यह मैजिक नंबर उन लोगों के लिए है, पहले जान लीजिए, कल्याणम में हम रोजाना बताते हैं मैजिक नंबर। अगर आपको अपना मूलांक नहीं मालूम, प्रोग्राम आप देख रहे हैं, उलझने आपकी बढ़ रही हैं, उसमें एक मैजिक नंबर है 1144466, आपको राशि भी नहीं पता, नंबर लिखिए 1144466। ये सूर्य राहु और शुक्र का प्रतीक है, सफेद कागज पर लाल पेन के साथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चेहरा करके लिखने के बाद इसको अपने पास रख लीजिएगा, आपकी मनोकामना कुछ भी हो पूर्ण अवश्य होगी, एवं बड़े से बड़ा अगर आपका संकट चल रहा है उससे आपको मुक्ति प्राप्त। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी एक नए विषय के साथ इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य पी खुराना को दीजिए इजाजत, हम कामना करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद खुराना जी। दर्शकों, आज के कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्र में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, जानेंगे आपकी राशियों के लिए क्या है खास उपाय, कौन सा है आपका लकी कलर और कौन सा अंक देगा आपको शुभता। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।